हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम और ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम और ईआरपी 9 दोनों को लेकर के है। अब क्या है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हम अगर ईआरपी 9 ओपन करते हैं तो यहां से हम एक चलेंगे न्यू कंपनी बनाएंगे, तो एंटर करते हैं और यहां से एक न्यू कंपनी हम बना लेते हैं। तो न्यू कंपनी बनाने के लिए कहां जाना है, आपको दिख रहा होगा ये क्रिएट कंपनी, ये दिख रहा है, तो बस इसी क्रिएट कंपनी पे जाइएगा। यहां से माउस से क्लिक कर सकते हैं या नेविगेशन की से ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सी हाईलाइट है, देखिए यहां पे सी रेड कलर में हाईलाइट है, और ये जो सी है यही बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, सिर्फ सी। सी प्रेस करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि मेरे साथ आया हुआ है, ठीक है, मेरे सामने ये खुला हुआ है। और ये आपका डिफॉल्ट पाथ है, यहीं पर जाकर आपकी फाइलें सेव होती हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंपनी बनाएंगे, तो चलिए कंपनी बना लेते हैं। तो यहां पर मैं कंपनी बना रहा हूं मॉर्निंग शॉप, मॉर्निंग शॉप के नाम से SHOP, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर एड्रेस डाल देंगे, तो जो भी आपका लोकल एड्रेस है वो एड्रेस जरूर डाल दीजिएगा और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहां पर आपको कंट्री डालना है और यहां पे स्टेट, तो स्टेट चूज करना कंपलसरी है, यहां से स्टेट चूज कर लीजिए। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर पिन कोड डाल देना और एंटर करना, एंटर करना, एक्सेप्ट करा लेना इसको। आप चाहे तो पासवर्ड यूज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, दो तरीके के पासवर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दोनों के बारे में बता रखा है पिछले कई वीडियो में। एक तो वॉल्ट पासवर्ड है और दूसरा आपका सिक्योरिटी कंट्रोल जो जनरल आप लगाते हैं। एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट कराते ही हमारी कंपनी बनकर के तैयार है मॉर्निंग शॉप के नाम से। अब हमें करना क्या है, हमें मान लीजिए कि परचेज में एंट्री पास करनी है, हालांकि पहली एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं, लेकिन चलिए परचेज में एंट्री पास करते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं हम F9 प्रेस करके सीधा परचेज वाउचर में, और यहां पर हम देते हैं क्या, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एंटर करते हैं। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर चलिए कैश कर देते हैं इस बार, और यहां पर एंटर करते हैं और यहां पर आएगा परचेज का लेजर। तो लेजर कैसे बनेगा, अल्ट सी करके बनेगा, अल्ट सी करके यहां लिखिएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर कीजिएगा और यहां पे की प्रेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो ये परचेज अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहां पर एक स्टॉक आइटम बनाना है, लेकिन स्टॉक आइटम हम गेटवे ऑफ टैली से भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां कैसे बनेगा, तो यहां पर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। तो चलिए अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं, तो ये प्रेस किया अल्ट और सी। तो जैसे ही अल्ट सी प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके की विंडो ओपन होती है। अब यहां पर हमें क्या डालना है, यहां पे स्टॉक आइटम का नाम डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने स्टॉक आइटम का नाम डाला MOUSE माउस, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर हमको यूनिट बनाना है, तो यहां पर यूनिट हम बना लेते हैं NOS, यानी नंबर्स बना लेते हैं, एंटर करते हैं। यहां पर आपको फॉर्मल नेम नंबर्स डाल देना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक UPOC कोड आता है, वो कोड शो नहीं कर रहा है। अब आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट भी करा लेंगे तो भी यहां UPOC कोड नहीं शो कर रहा है। तो ये UQC कोड होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, ये कब शो करेगा, ये तो बात है टैली ईआरपी 9 की, ठीक है। और प्राइम में क्या कहानी है, प्राइम में भी सेम यही कहानी है। देखिए ये प्राइम है और यहाँ पर अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो F3 प्रेस करके कंपनी बनाई जाएगी और यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, और सेम इसी तरह की एक किसी भी नाम से कंपनी हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी ये फॉर्म खुल जाता है, तो यहाँ पर भी मैं मॉर्निंग शॉप कर देता हूँ, ठीक है, सेम नाम कर देता हूँ। और यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है लोकल कंपनी का वो एड्रेस आएगा, तो ये एड्रेस हमने डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो भी अभी चलेगा, लेकिन जब GST इनेबल करना होगा तब नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन डाल दीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब कंट्रोल एस कर दिया है हमने। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर जब हम वाउचर में जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं परचेज वाउचर में, तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पे कैश कर देते हैं और एंटर करके, एंटर करके, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, तो PURCHASE परचेज का लेजर बनाया, इसका ग्रुप रख देंगे परचेज अकाउंट, और ये हो गया परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर भी तो यूनिट बनाना है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पर भी यूनिट बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, सॉरी। तो स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे रख दिया मैंने लैपटॉप, लैपटॉप रख दिया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर आएंगे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लैपटॉप बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, तो यहाँ नंबर्स डाल देते हैं, ये हो गया नंबर्स। और यहाँ पर आपको यूनिट क्वांटिटी कोड नजर आ जा रहे हैं, नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं नजर आ रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर GST वाला ऑप्शन यस है। देखिए यहाँ से बाहर आता हूँ, इसके बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है F11 करते हैं तो आपको GST वाला ऑप्शन यहाँ पे यस मिलता है, इसी के चलते आपको दिक्कत नहीं हो रही है। अब वहां पर यस नहीं है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर GST तो चालू ही नहीं है,
तो अगर F11 आप प्रेस करते हैं और यहाँ स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाते हैं तो यहाँ पे GST वाला ऑप्शन तो चालू ही नहीं किया गया है। तो GST वाला ऑप्शन जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे GST नो है, तो यहाँ से यस कर दीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए, तो अभी ये हो जाएगा एंटर एंटर करके। यहाँ पे टैक्स वगैरह जो भी है लगाना वो लगा दीजिएगा और जब लगा देंगे तब ये चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15% किया हमने, एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया, एंटर 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 करके लास्ट तक एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद क्या करना है, यहाँ से बी बटन प्रेस करना है। अब आना है यहाँ पर, ये डाल दिया हमने, एंटर किया और यहाँ पे कैश कर देंगे, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, यहाँ पे रेगुलर डाल देंगे, एंटर करेंगे और परचेज अकाउंट कर देंगे, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पर अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया डेस्कटॉप, DESKTOP डेस्कटॉप कर दिया, एंटर किया, यहाँ पे NOS करेंगे और यहाँ पे देखिए अभी भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या पड़ेगा, वहां पर तो इनेबल है तो नजर आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और बाहर आके सीधा कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ से डिस्प्ले पे जाइएगा, डी प्रेस कर दीजिएगा डिस्प्ले के लिए और यहाँ से नीचे आइएगा, कहाँ पे आना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, स्टेटरी रिपोर्ट पे आना है, तो ये आ गया स्टेटरी रिपोर्ट पे और यहाँ से GST पे आ जाइएगा। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैप UOM UQC कोड, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देखिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये छठवां नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे जाइएगा और एंटर करिएगा और यहाँ पे NOS जो बनाया है यहाँ पर आकर के और UQC कोड यहाँ से जाना है और एंटर करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आपको यूनिट क्वांटिटी कोड नजर आ जाएगा और बस यहाँ से एंटर करके उसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अब आपको जैसे बी बटन प्रेस किया, अब यहाँ पर आए, एंटर किया एंटर किया, अब यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई चिंता की बात ही नहीं है, अब आपका काम हो गया, परचेज अकाउंट का लेजर आ गया और यहाँ पर जो भी आपने बनाया है लाइक माउस बनाया है तो यहाँ पे माउस आ गया, आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं, रेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रेट वगैरह है वो डाल दीजिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये वो तरीका है जिससे UQC कोड इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका प्रिंट आउट देख लीजिए, इसका प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से आएगा, अल्ट में आपको दिखा भी देता हूँ प्रिंट आउट, ये आपका प्रिंट आउट है देख लीजिए। ठीक है, अब इस पे GST जो इनेबल किया था तो उसके चलते ये इस तरीके से भी आ गया है। ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो आपको एक्टिवेट करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप प्रिंट आउट देने जा रहे हैं तो अल्ट पी करके प्रिंट आउट देते हैं तो यहाँ कॉन्फिगर का बटन मिल जाता है और इस कॉन्फिगर के बटन में देखिए GST से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, प्रिंट क्वांटिटी कॉलम, तो ये अल्टरनेट क्वांटिटी, प्रिंट सेपरेट कॉलम, एक्चुअल और ये रेट कॉलम, ये तमाम चीजें आपको यहाँ से यस करनी होती है। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी यस है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यही वो तरीका है जिससे आप UQC कोड को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे F12 करेंगे तो ऊपर आपको और भी फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर गोडाउन का एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो फिलहाल तो मैंने कोई गोडाउन बनाया नहीं है तो यहाँ पर एड्रेस देने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल वाइज डिटेल अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और ये बिल वाइज डिटेल को भी क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे एंटर करिए और ये तमाम चीजें इस तरीके से ये प्रिंट करेगा, ये बिल वाइज दे रहा है, बिल वाइज नीचे देखिए दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सारी चीजें हो जाती है। क्लियर है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।